स्वागत है दोस्तों आपका वीडियोस वर्ल्ड चैनल में और यह है ईटेक ट्यूटोरियल सीरीज। आज की सीरीज में हम क्या करेंगे, एक गेट एग्जाम जो आपका उसका एक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन लेंगे, उसको मैन्युअली देखेंगे कैसे सॉल्व होता है, फिर उसे ईटेक से सॉल्व करेंगे, फिर दोनों के रिजल्ट कंपेयर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये एक प्रॉब्लम है, द टेंशन इन किलो न्यूटन इन ए 10 मीटर लॉन्ग केबल नेगेटिंग सेल्फ वेट। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो केबल है पी क्यू, ये केबल पी क्यू है जिसके सेंटर में एक 120 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का जो आपका स्पेस है वो 3 मीटर 3 मीटर 6 मीटर हो गया, और वर्टिकल जो आपकी हाइट है 4 मीटर, और केबल की जो लेंथ है वो टोटल 10 मीटर है। तो 5 मीटर ये हो जाएगी आपकी, 5 मीटर ये हो जाएगी। तो आपकी 5 मीटर ये हो जाएगी और 5 मीटर ये हो जाएगी। अगर आप ऐसे भी देखें इस ट्रायंगल से अगर आप निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो भी 5 आ जाएगी। तो ये फोर्स लग रहा है आपका 120 किलो न्यूटन, PQ पे सपोर्ट है, पिन सपोर्ट मान लीजिए, और अब इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें जो टेंशन फोर्स है आपका इन केबल में जो टेंशन फोर्स लग रहा है T, ये कितना लग रहा है ये पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है 120, 75, 60, 45। देखिए गैस करते हैं क्योंकि 120 फोर्स यहां लग रहा है तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा इस इधर, अब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर, तो 120 तो आंसर होगा नहीं। और सेकंड ऑप्शन है हमारा 75 और 60 एंड 45। देखिए अगर हमारा फोर्स 120 किलो न्यूटन लग रहा है तो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट हाफ हाफ हो या फिर टेंशन ज्यादा हो, टेंशन कम नहीं होगी आपकी 120 से, तो कम नहीं होगी तो 45 आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास आंसर है 60 75। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है वो चेक करते हैं। तो ये है आपका मैनुअली सॉल्यूशन। ये देखिए इसमें क्या किया है कि ये एंगल है थीटा और ये एंगल थीटा है टी, इसमें आपका टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में की हेल्प से हमने ये केबल की ये लेंथ निकाल ली 5, ओके। और अगर आप इक्विलिब्रियम करोगे वर्टिकल फोर्सेस तो वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड है आपका 120 किलो न्यूटन, और आपका अगर इसका देखेंगे कंपोनेंट वर्टिकल तो ये होगा टी कॉस थीटा, सेम यहां पे होगा आपका कोस टी कोस थीटा। तो वर्टिकल अपवर्ड में क्या हो गए टी कोस थीटा प्लस टी कोस थीटा 2 कोस थीटा, और आपका टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितना लग रहा है 120, ओके। इसकी जरूरत नहीं है हमें टेन थीटा की, तो कोस थीटा बराबर इस ट्रायंगल में कोस थीटा बराबर 4 और 5 ही है आपका, ठीक है। तो कोस थीटा आपको पता है 2 tan थीटा, कोस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी 120 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 75। तो आंसर हमारा क्या है 75। अब इसको हम ई टैब में चेक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका ई टैब में, ग्रिड बनानी। अब देखिए ये डायरेक्शन कौन सी है, ये वर्टिकल है, और वर्टिकल हमारी ई टैब में कौन सी होती है जेड डायरेक्शन। अब इसके लिए हमें ग्रिड लाइन बनानी है, तो देखो एक ग्रिड लाइन तो ये हो गई आपकी, सॉरी एक ग्रिड लाइन ये हो गई आपकी और एक ग्रिड ये लाइन हो गई, कौन सी डायरेक्शन में, जेड में, और जेड में क्या होता है आपका स्टोरे हाइट, तो जेड में क्या है स्टोरे हाइट हमें देनी होगी। स्टोरे हाइट कितनी हो गई 4 मीटर,
ओके, तो आपकी ये स्टोरेज हाइट है। तो हमें स्टोरेज चाहिए जिसकी हाइट 4 मीटर हो। अब एक्स डायरेक्शन में कितनी लाइंस है? एक ही लाइंस है, और वाई में भी ये वाली ग्रिड है आपकी। अगर इसको आप टॉप व्यू से देखते हो तो एक सिंगल लाइन दिखाई देगी आपको, पी क्यू। तो एक सिंगल लाइन के लिए हमें कितनी ग्रिड लाइन चाहिए एक्स डायरेक्शन में? 1 एंड 2, जिनकी स्पेसिंग कितनी होगी? 6 मीटर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ई टैब में। न्यू मॉडल, यूनिट मैट्रिक, ओके। अब देखिए हमें चाहिए स्पेसिंग, कितनी चाहिए हमें स्पेसिंग? 3 मीटर और 3 मीटर, है ना। तो हमें 3 3 मीटर की स्पेसिंग चाहिए, तो मैं यहां पे स्पेसिंग डालता हूँ एक्स में 3 मीटर, वाई में 8 ही मीटर रहने देते हैं, ठीक है। और हमें हाइट कितनी चाहिए? 4 मीटर, 4 मीटर डाल देते हैं, ओके कर देते हैं। ये आ गया आपका 3D और प्लान। अब देखिए हमें ड्रॉ कहाँ करना है, हमें कौन सा फेस पे करना है। अगर 3D में देखोगे आप तो इस फेस पे नहीं करना हमें, क्यों? इस फेस पे यहां से लेके यहां तक की स्पेसिंग है 8 मीटर जो डिफॉल्ट थी। हमने 3 मीटर दिया आपको यहां से लेके यहां तक, तो हमें ये वाली फेसिंग चाहिए। और इस फेसिंग में क्या आईडी है हमारी? 4 3 2 1, इस तरह से आईडी है। तो मैं गया आपका एलिवेशन, इस वाले प्लान पे एलिवेशन, और मैंने लिया इसमें 1 1, का मतलब यहां से शो करेगा ये, ओके। ये देखिए ये आ गया हमारा एलिवेशन, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेल्फ एट नेगलेट है, तो क्रॉस सेक्शन या मटेरियल देने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही यहां से बीम ले लिया एक, जो भी डिफॉल्ट है यहां पे, और यहां से मैंने ड्रॉ किया इस तरह से और फिर इस तरह से। 3D में आप देख सकते हैं इस तरह से ही तो है हमारा। और अब यहां पे हम सपोर्ट लगा देते हैं, पिन सपोर्ट इसलिए क्योंकि केबल है, मूवमेंट 0 होगी इस पे, इसलिए। तो मैंने दोनों सेलेक्ट किए और असाइन किया जॉइन रिस्ट्रेन पिन, ये हो गया। अब यहां पे एक लग रहा है हमारा पॉइंट लोड 120 किलो न्यूटन का, तो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया असाइन, जॉइंट पे लगाना है तो जॉइंट लोड लिया हमने, फोर्स डायरेक्शन क्या है? FZ -120 डाउनवर्ड है, तो इसमें ग्रेविटी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और ओके। तो देखिए 120 का फोर्स लग गया हमारा। बस अब सीधे एनालाइज करना है? नहीं, ये एनालाइज कर लेते हैं एक बार। हमें सोल्व क्या करना है, एक्सियल फोर्स या टेंशन फोर्स इन केबल में कितना है आंसर हमारा? 75, ये चेक करना है टाइम में। तो मैं यहाँ बेंडिंग में डायग्राम जिससे देखते हैं उस पर गया एनालाइज करने के बाद, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्सियल फोर्स और एक्सियल फोर्स करके शो वैल्यू, ओके किया। तो देखिए कितना आ रहा है, 79 point something, जबकि हमारा एक्सियल फोर्स कुछ और आ रहा है, 75 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले लॉक को अनलॉक किया। हम एडिटिंग जब भी कर सकते हैं जब इस लॉक को अनलॉक करेंगे, क्योंकि हमने सेल्फ वेट इग्नोर किया था, तो हमें सेल्फ वेट इग्नोर करना पड़ेगा। असाइन फ्रेम और प्रॉपर्टी मॉडिफायर, इसमें हमने क्या किया, मास को 0 कर दिया और वेट को 0 कर दिया, ओके कर दिया। PM लिखा रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी मॉडिफायर दोबारा से हमने एनालाइज कर दिया। अब चेक करते हैं रिजल्ट, एक्सियल फोर्स अभी भी कुछ और आ रहा है। एक्सियल फोर्स ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारे अभी जो हमने एलिमेंट लिए वो है बीम, और हमारे प्रॉब्लम में क्या है, केबल, केबल में बेंडिंग मोमेंट 0 होती है। तो इस केस में हमें इनको केबल बनाने के लिए इसमें से कुछ रिएक्शन रिलीज करनी होगी। तो मैंने दोनों बीम सेलेक्ट किए, असाइन में गया फ्रेम एंड रिलीज पार्शियल फिक्सिडिटी, इस ऑप्शन में जाके मैंने जो मूवमेंट्स हैं उनको 0 कर दिया। टिक करने का मतलब है 0, स्टार्ट पॉइंट पे एंड पॉइंट पे, अब ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे तो डॉट दिखा रहा है, ये यहाँ पे है ना, यानी कि मूवमेंट 0 हो गई। आप एनालाइज करते हैं फिर रिजल्ट चेक करते हैं।
अब चेक करते हैं दोबारा एक्सेल कोर्स, अब आ रहा है हमारा 75, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो देखिए 75 आ रहा है एक्सेल फोर्स, और मैनुअली भी हमारा 75 आता है। तो आज की प्रॉब्लम ये थी, आप भी इस तरह से गेट के जो स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है ई टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी गेट की प्रिपरेशन भी होती रहेगी और आपका ई टाइप भी चलता रहेगा। थैंक यू।